गजेंद्र सिंह खेमसर क्या कुछ कह रहे, चले सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। आपके टाइफस के केसेस है, आपके मलेरिया के केसेस है, अभी कोई अलार्मिंग रेट नहीं है पर संभावना है, क्योंकि अब जो है बरसात थमने पे पानी बह नहीं रहा है, वो रुक रहा है और उससे इनका जो लावा का जो प्रोडक्शन होता है वो इसी टाइम होता है। तो हम बिल्कुल अलर्ट मूड पे हैं, सब दवाइयाँ वगैरह जो जाके जो जो स्थिर पानी है शहरों में उसकी टेस्टिंग करना, हम बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं और पूरे बरसात के दरमियान भी हम कॉन्स्टेंटली हम हमारे विभाग की हमारी आपस में बीसी से हम कांटेक्ट कहा जाता है कि पहले जब हम तो पहले से अलर्ट रखे हैं, हम ऑलरेडी अलर्ट मोड में है। अब ये आप जो आरोप लगा रहे हो ये आपको बोलना चाहिए अगर हम फेल होते हैं आके, ये तो भगवान की कृपा से अभी तक स्थिति आई नहीं है, भगवान की मर्जी है। अगर ये स्थिति बिगड़ती है उस समय अगर हम विफल होते हैं तो फिर आप ये बोलिए कि बिगड़ती है तो ये होता है, अभी बिगड़ी नहीं है। लेट अस टॉक अबाउट द प्रेजेंट, है ना, और हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि फ्यूचर में भी ज्यादा नहीं, अभी तक केस ज्यादा नहीं है। लास्ट सवाल था, आपने एसएमएस की बात करने के लिए आरएचएस का स्टाफ लगाया था। हाँ जी, आज हुई हालात नहीं देखिये, आज हमारी बहुत बड़ी मीटिंग आरएचएस में है, दोपहर को 3 बजे है, हम उसी को एड्रेस करने जा रहे हैं कि अब आप देखिए कि 17 स्पेशलिटी डॉक्टर्स को हमने पोस्ट किया, 12 ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना, उस पर हमें कठोर कदम लेने होंगे कि ऐसा नहीं होता है। और ये जो 12 डॉक्टर्स जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको हम जयपुर से, जयपुर में ही तो लगा रहे थे ना। अभी हमारी जो ट्रांसफ़र नीति है वो फाइनल स्टेजेस में है। आप देखिए सबसे भारी जो समस्या है आज चिकित्सा विभाग के अंदर, और ये चिकित्सा आज पैदा नहीं हुई, ये कई वर्षों से चल रही है, वो है हमारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, मतलब जो वैकेंसी इतनी भारी है। उसके दो चीज़ें करें आप, दो तरीके से उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। एक तो 55,000 नए जो हमारे पैरामेडिक हमारे डॉक्टर्स वगैरह जो आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी उदारता से इतना बड़ा बजट देके 55,000 आ रहे हैं, जिसमें से 8-9,000 आगे हम सीधे वो पोर्टल पे जा रहे हैं, ठीक है ना, पोर्टल पे जाएंगे, वरीयता मार्क्स के अनुसार उसको चूज़ किया जाएगा, जो जितनी भी लेडीज़ हैं, कोई विधवा है, कोई डाइवोर्स है, कोई सिंगल है, कोई विकलांग लोग हैं, उनको अब बोनस मार्क्स दिए जाएंगे और 49 डिस्ट्रिक्ट्स का लोग चूजिंग करेंगे कि अपन को चॉइस किया है। उसके बाद में जो है कंप्यूटर इनको रिक्त स्थानों में डालेगा, सीधा रिक्त में डालेंगे, तो ट्रांसफर हमारे हाथों में नहीं ले रहे हैं, जितने भी 55 होंगे पोर्टल के जरिए होंगे और रिक्त स्थानों में जाएंगे। नंबर वन, एक मैंने और एक उनको रिलैक्सेशन दे दिया है, जो लोग जितने भी पोस्ट हो जाती हैं ज्वाइन करने जा रहे होते हैं स्वेच्छा से आपस में बदल सकते हैं, नंबर टू। अभी जो हमारी नीति आएगी, हम किसी एक पद पे दो डॉक्टर्स को या दो स्टाफ को नहीं रहने देंगे, ये हमारी जैसे नीति क्लियर होगी सीधा जो है वह ये दो चीज़ों से एक चीज़ हो जाएगी, ये विभाग चलने लग जाएगा और इसके अंदर रिक्त पद नहीं रहेंगे, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। इसका बहुत कठोर प्रयास कर रहे हैं और हमें आशा है कि इसको हम जल्दी से जल्दी इसको। ये संतोष साहब और परवारी जी के साथ जो मंत्रिमंडल के सदस्यों साथ जो बातचीत है, इस तरह का कोई नेता मिला है? नहीं, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। खाली पद यार, नए प्लस जो अनौपचारिक बैठे, सबसे प्रयास कर रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर को आप सुन रहे हैं, अभी भी वो बातचीत के जरिए तमाम बातों को लेकर कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, चाहे वो मेरा विभाग हो या फिर राज्य सरकार में दूसरे मंत्रियों के अन्य विभाग, तो कोशिश इस बात को लेकर है कि सरलता आए, पारदर्शिता आए, कोई पेंडेसी ना हो और जिसका दावा किया जाता है वो दावा पूरे तरीके से पूरा होता हुआ नजर आए, वो सुविधा जिसकी बात की जाती है वो सुविधा लाभार्थियों को मिलती नजर आए।